कोरोना वायरस कैसे विकसित होता है, टीके इस बात को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये बात आपके लिए टीका नहीं लेने का कारण कतई नहीं हो सकती है। चिकन वायरस पर 215 के एक शोध पत्र में दिखाया गया था कि टीके वायरस के अधिक घातक रूपों को कुक्कुटों में फैलने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन ये नतीजा दुर्लभ है। केवल कुछ मामलों में ही मानव और पशु टीकों ने वायरस की उत्पत्ति को प्रभावित किया है। उन मामलों में से अधिकांश में वायरस ने रोग की गंभीरता में वृद्धि नहीं की है। ऐसी काल्पनिक आशा है कि कोविड-19 टीकों के परिणाम स्वरूप वायरस के अधिक हानिकारक प्रकार सामने आ सकते हैं, लेकिन ये टीकाकरण से बचने का कोई कारण नहीं है, बल्कि ये टीकों के विकास को जारी रखने की आवश्यकता को दर्शाता है। वर्ष 2015 में मेरे सहयोगियों और मैंने चिकन वायरस के बारे में एक वैज्ञानिक पत्र प्रकाशित किया था, जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। उस समय इस पर कुछ मीडिया का ध्यान गया था और बाद के वर्षों में अन्य वैज्ञानिकों द्वारा इसका हवाला दिया गया, लेकिन अब अगस्त 2021 के अंत तक इस पत्र को 350,000 से अधिक बार देखा जा चुका है और उनमें से 70% लोगों ने पिछले 3 हफ्तों में इसे पढ़ा है। ये एक यूट्यूब वीडियो पर भी दिखाया गया है, जिसे 28 लाख लोग देख चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। कुछ लोग इस शोध पत्र के जरिए ये आशंका फैला रहे हैं कि कोविड-19 टीके और कुछ अधिक स्वरूपों को विकसित करने का कारण बनेंगे। डॉक्टरों ने मुझे बताया है कि मरीज इस पेपर का इस्तेमाल टीकाकरण न करवाने और अपने फैसलों को सही ठहराने के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग इसका उपयोग टीकाकरण अभियानों को समाप्त करने के लिए भी कर रहे हैं। हमारे शोध पत्र में टीका विरोधी रुख को सही नहीं ठहराया गया है। अगर ये लोगों को टीकाकरण न करने का विकल्प चुनने का कारण बनता है तो ये गलत व्याख्या है। टीकाकरण बचने से नुकसान होगा। एक नए अध्ययन का अनुमान है कि मई 2021 की शुरुआत तक टीकों के कारण अमेरिका में लगभग 140,000 लोगों को मरने से बचाया जा सका था। 20 से अधिक वर्षों से मैं सहयोगियों और सहकर्मियों के साथ काम कर रहा हूं और कैसे टीके वायरस और मलेरिया जैसे रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन कोविड-19 वायरस के संदर्भ में हमारा काम एक उचित प्रश्न का संकेत देता है कि क्या टीकाकरण और भी हानिकारक रूपों के उद्भव का कारण बन सकता है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।